अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? मज़े में हैं जी? और क्या हो रहा है भाई? थके हुए? क्यों थके हुए? नींद नहीं पूरी हुई थी, हो गई थी, फिर जल्दी से अच्छा सा ब्रेकफास्ट करना चाहिए ताकि हम हेल्दी रहें और बहुत अच्छी हमारी एनर्जी आ जाती है हमारे अंदर, है ना? अच्छा, हम कौन सी क्लास में मौजूद हैं भाई? फोनेमिक राइम की क्लास में, बिल्कुल ठीक। और आज फोनेमिक राइम की क्लास में हम फिर कुछ नया सीखेंगे, है ना? हम एक ना एक 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 करके हम इतने सारे नए काम सीखते चले जा रहे हैं, नई एक्टिविटीज़ करते जा रहे हैं। हमने रीडिंग सीख ली, राइटिंग सीख ली, कितने वर्ड्स लिखना पढ़ना सीख लिए, है ना? अच्छी बात। आज हमने क्या काम करना है? आज हमें जिस पेज पे काम करना है वो है आपकी किताब का पेज नंबर 16। तो जल्दी से अपनी बुक का पेज नंबर 16 ओपन कर लीजिए। सब ने ओपन कर लिया? अरे वाह भाई, वेरी गुड, अच्छी बात है। तो देखें मिलके कि इस पेज पे काम क्या है। चलें देखते हैं कि पेज नंबर 16 पे आज हमें क्या काम करना है। मेरे साथ देखेंगे? चलें हम साथ मिलके देखते हैं। अच्छा जी, ये है हमारा पेज नंबर 16। तो सबसे पहले तो आ गई डेट, जल्दी से डेट मेंशन कीजिए। लिख लिया? अच्छा जी, अब है आइकन्स को देखना। कितने आइकन्स हैं यहाँ पे? हेयर वी हैव टू आइकन्स ऑन दिस पेज। दो आइकन्स हैं। पहला है राइट, 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 गुड। एंड द सेकेंड आइकन इज कलर, 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 गुड। अच्छा जी, इसका मतलब क्या हुआ? हमें इस पेज पे कितने काम करने हैं? दो काम करने हैं। राइटिंग का काम है, राइट लिखना है, और फिर साथ कलर करना है। लिखना क्या है ये तो पता करें। इस पेज पे मुझे कुछ सेंटेंसेस नज़र आ रहे हैं, फिलिंडा ब्लैंक्स टाइप के, है ना, जो इनकम्प्लीट हैं, कम्प्लीट नहीं है ये सेंटेंस, ब्लैंक्स मौजूद हैं। आपने सही वर्ड लिखना है पिक्चर देख के और सेंटेंस कंप्लीट करके पढ़ना है। मुश्किल तो नहीं है ना काम? बहुत आसान है, आराम से कर लेंगे, ठीक है? चलें देखें फिर हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है। अच्छा, फर्स्ट सेंटेंस है स्विच ऑन द डैश। किस चीज़ की पिक्चर है? फैन, वेरी गुड। तो यहाँ ब्लैंक में क्या आएगा? फैन, गुड। तो हम क्या लिखेंगे? स्विच ऑन द फैन। और फैन कैसे लिखते हैं? एन फैन, जल्दी से लिखिए, एन फैन, एन फैन। लिख लिया? अरे वाह, कंप्लीट हो गया सेंटेंस। तो जल्दी से पढ़ भी लीजिए फिर, क्या है? स्विच ऑन द फैन, वेरी गुड भाई। अच्छा जी, अब सेंटेंस क्या है? दिस इज अ डैश। क्या है ये? किस चीज की पिक्चर है? क्या कहा आपने? पैन, वेरी गुड। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? पैन। और पैन कैसे लिखते हैं? प एन पैन, जल्दी से लिखिए। सबने लिख लिया? अब सेंटेंस साथ पढ़िए मेरे। दिस इज अ पैन, दिस इज अ पैन, वेरी गुड, दिस इज अ पैन, गुड। लिख लिया सबने? कंप्लीट कर लिया? वेरी गुड। चलें नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही इज अ डैश, कौन है ये? जल्दी से सोचिए। ही इज अ मैन, वेरी गुड, ही इज अ मैन। और मैन हम कैसे लिखेंगे? एन मैन, एन मैन। तो जल्दी से कंप्लीट कीजिए, लिखिए यहाँ पे मैन और सेंटेंस कंप्लीट कीजिए। ही इज अ मैन, ही इज अ मैन, वेरी गुड। अच्छा, ये क्या है? सेंटेंस पढ़ें। She has dash. क्या याद कीजिए जरा? Tan. Very good. मैंने आपको बताया था, याद है, जब हम पिकनिक पे जाते हैं, धूप में जाते हैं, तो हमारी स्किन टैन हो जाती है ना? She has tan. हम tan कैसे लिखेंगे भाई? कौन बताएगा? जल्दी से बोलिए। T and tan. Very good. T and tan. Sentence complete होगा। She has tan, she has tan, very good. अच्छा जी, ये सेंटेंस पढ़ते हैं। अहमद इज इन द डैश, किस चीज की पिक्चर है? क्या आएगा यहाँ पे?
सोचिए जरा, सोचिए जल्दी से सोचिए। वैन, बिल्कुल ठीक कहा आपने, अहमद इज इन द वैन। और वैन हम कैसे लिखेंगे भाई? एन वैन, एन वैन। जल्दी से लिखिए, कंप्लीट कीजिए, फिर रीड कीजिए मेरे साथ। अहमद इज इन द वैन, फिर पढ़ें, अहमद इज इन द वैन। ठीक है, अहमद इज इन द वैन, वेरी गुड, शाबाश भाई। अच्छा, यहाँ क्या है? द बॉय डैश, क्या लग रहा है आपको? यस गुड, रैन, वेरी गुड, द बॉय रैन, द बॉय रैन। और रैन हम कैसे लिखेंगे? र, गुड, र एंड रैन, र एंड रैन। जल्दी से रैन लिखिए, कंप्लीट कीजिए, वेरी गुड। क्या सेंटेंस बना? द बॉय रैन, द बॉय रैन, द बॉय रैन, गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, स्मोकिंग इज डैश, साइन आपको नजर आ रहा है ना एक पिक्चर में, क्या है? स्मोकिंग है, सिगरेट बनी हुई है और उस पर निशान लगा हुआ है, यानी बैंड, बिल्कुल ठीक, यानी पाबंदी है भाई स्मोकिंग पे, बिल्कुल ठीक। स्मोकिंग इज बैंड, हम बैंड कैसे लिखते हैं? ब एंड बैन, ब एंड बैन, वेरी गुड। जल्दी से लिखिए, अब कंप्लीट कीजिए सेंटेंस, अब मेरे साथ पढ़ के बताइए। स्मोकिंग इज बैन, स्मोकिंग इज बैंड, वेरी गुड। एक दफा फिर पढ़िए, स्मोकिंग इज बैंड, वेरी गुड। अच्छा जी, ये एक और सेंटेंस बाकी है। दिस इज अ ब्लैंक, है क्या है भाई ये, क्या नजर आ रहा है? ओके, कैन, वेरी गुड, दिस इज अ कैन। कैन हम कैसे लिखेंगे भाई? ख एन कैन, ख एन कैन, वेरी गुड, दिस इज अ कैन। तो जल्दी से लिखिए, ख एन कैन, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब रीड कीजिए मेरे साथ, दिस इज अ कैन, दिस इज अ कैन, दिस इज अ कैन, वेरी गुड भाई। देखा हमने कितने आराम से अपना पेज सारा कंप्लीट कर लिया, सारे वर्ड्स भी लिख लिए हमने, है ना? अच्छा, अब आपने क्या काम करना है? आपने ये काम करना है कि भाई इन पिक्चर्स में पहले तो कलरिंग फिनिश करनी है, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड एक्टिविटी कलर की है। उसके बाद ये काम कंप्लीट करके इसकी पिक्चर टीचर को सेंड कीजिएगा और इन सेंटेंस को आपने पढ़ना है, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। और आप एक वॉइस रिकॉर्ड करके इन सेंटेंस को पढ़ते हुए ना एक रिकॉर्डिंग बनाइए और वो भी टीचर को सेंड कर दें, टीचर बहुत खुश हो जाएंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। We'll be right back.